नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम आपको एक हाई प्रोफाइल बैंकर की सैंडविच चोरी के बारे में बताएंगे। लंदन में ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है और यहां एक हाई प्रोफाइल बैंकर को स्टाफ कैंटीन से सैंडविच चुराने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर आप इस बैंकर की सैलरी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस हाई प्रोफाइल बैंकर को हर साल 1 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 9,20,00,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी, यानी कि करीब 2,50,000 रुपए रोजाना का वेतन। इस बैंकर का नाम पारस शाह है, जो भारतीय मूल का गुजराती है। पारस सिटी ग्रुप बैंक में काम कर रहे थे। पारस जब सैंडविच चुराने के आरोप में पकड़े गए, उस समय उनके ऊपर यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में बॉन्ड ट्रेडिंग के हेड के पद की जिम्मेदारी थी। फिलहाल उनको इस पद से सस्पेंड कर दिया गया है। बैंक प्रशासन का कहना है कि पारस शाह पर कई बार खाना चुराने का आरोप लग चुका है और इसे लेकर ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पारस ने कितनी बार सैंडविच या खाने का दूसरा सामान चुराया। पारस शाह को यूरोप के हाईएस्ट प्रोफाइल क्रेडिट ट्रेडर्स के बीच में रखा जाता है और बैंक में बड़े ओहदे पर काम होने के कारण उनकी काफी धाक भी है और कम उम्र में उन्होंने इतना ऊंचा मकाम हासिल किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन आरोपों की वजह से वो मुश्किल में पड़ गए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी हाई प्रोफाइल बैंकर की नौकरी चोरी के छोटे से मामले के चलते चली गई हो। इससे पहले कई और देशों में भी इस तरह से चोरी के छोटे छोटे आरोपों में नौकरियां जाती रही हैं। कई बार सेलिब्रिटी भी एयरपोर्ट्स पर इस तरह की चोरी करते पकड़े जा चुके हैं। साल 2016 की बात कर लेते, जब एक जापानी बैंक ने लंदन के एक बैंकर को केवल 5 पाउंड चोरी करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। और इसी तरह से साल 2014 में एक बैंक ने अपने सीनियर ऑफिसर को ट्रैवल एक्सपेंसेस में हेर फेर के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था।